अभी कई ऐसे स्थान है दूर दूर रहते हैं, कहते हैं दीदी यहाँ कोई सेंटर नहीं है, तो फिर देखो वहाँ कोई ना कोई निकल आता है, तो उनको कहते तुम अपने घर में गीता पाठशाला खोल दो। अभी मैं महाराष्ट्र में गई थी, इतनी गीता पाठशालाएँ बात मत पूछो, बहुत, हाँ कितनी गिनती से भी कही होगी, कहते पता नहीं रोज़ कहते हमारे वहाँ पर बहुत दूर पड़ता है, तो हम उनको कहते अपने यहाँ गीता पाठशाला खोल दो, परिवार के परिवार ज्ञान में चलते हैं, तो क्यों ना गीता पाठशाला खोले ताकि सबको जीवन दान मिले। मुझे वहाँ, मैं अभी गई थी, कहाँ गई थी अभी, जलगांव, तो वहाँ पर किसी सेंटर पर बता रहे थे कि इतनी यहाँ समस्याएं आई, लोगों ने इतना किया जो हमारा सेंटर जो था वो ही बंद कर दिया, ताला लगा दिया, और ताला लगा करके नदी में चाबी डाल दी ताकि ये बहनें यहाँ आए ही नहीं। तो बहुत फिर, और अभी बताया कि उसकी हालत क्या हो गई है, उसके पास बहुत मकान थे, बहुत ज़मीन थी, एकदम कंगाल हो गया है, जैसे उनको बद्दुआ मिल गई है, इतना बहनों को इतना परेशान किया उन्होंने, तो देखो क्या हालत होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो ट्रेटर बन जाते हैं, बहुतों को दुखी करते हैं, कितनी अबलाएं कन्याएं बिचारी कैद हो जाती है, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वो याद करने से हम चक्रवर्ती राजा रानी बनते हैं। कितनी सहज बात है, कन्याओं के लिए तो सबसे सहज है, बाबा कन्याओं को भी बहुत याद करते, सबसे सहज है कन्याओं के लिए, जहां तहां से कुमारियां जास्ती निकलती है। हम अभी कहां गए थे, ये सामने कोई गांव है, वहाँ भी महाराष्ट्र जलगांव के बाद, वहाँ से 8 कुमारियाँ निकली और एक धक से समर्पित हो गई, कहीं आपको उस गांव में ज़रूर चलना है। 8 कुमारियाँ वहाँ से निकली और सब सेंटरों पर रहती है, एक गांव से, तो वो बताया, वह खास लेके गए हमको, वो भी रात को 8-9 बज गए, और उस समय सारा गांव आ गया, पूरा का पूरा गाँव, और उसमें फिर बग्गी पर बिठाया, और छोटे छोटे बच्चे 9 बजे रात को वो गांव, और सेंटर इतना सुंदर, बात मत पूछो, बिल्कुल मार्बल का सेंटर, सब गांव वालों ने बनाया वो सेंटर, और वहां से 8-9 कुमारियां समर्पित सब सेंटरों पर रहने वाले। तो इसलिए कहा, हमने कहा ज़रूर जाएंगे, देखेंगे, ना बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते हैं जहाँ तहाँ से कुमारियाँ जास्ती निकलती है।